जय श्री महाकाल दोस्तों, आप सबका स्वागत मेरे YouTube चैनल विष्णु के व्लॉग्स में। तो दोस्तों, हम आए हमारे एरिया के फेमस कोटेश्वर प्लेस पे, तो व्लॉग को लास्ट तक देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल हम कोटेश्वर के ठीक सामने मेरे मामा के गांव जांगरवा में खड़े हैं, जहाँ पर खड़े होकर हम नाव का वेट कर रहे हैं, और जैसे हमारी नाव आएगी उसमें बैठ कर हम कोटेश्वर के लिए रवाना होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, स्नान के लिए हजारों लाखों की संख्या में भीड़ उमड़ी हुई है, क्योंकि दोस्तों यही हमारे एरिया का फेमस कोटेश्वर तीर्थ स्थल है, जो कि हमारे बड़वानी और निसरपुर एरिया के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, हर साल इसी प्रकार हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ से दूर दूर से स्नान करने आते हैं, क्योंकि यह हमारे एरिया का बहुत ही फेमस स्थान है। और दोस्तों, आप भी यहाँ पे आओगे तो एकदम सुकून पाओगे। और दोस्तों, ये दिखने में एकदम हूबहू महेश्वर के प्रतिकृति है, यानी कि एकदम दिखने में महेश्वर जैसा ही है, जिसका नाम कोटेश्वर। तो दोस्तों, नाव में बैठने का मज़ा ही कुछ और होता है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए हमारे दोस्त सेल्फी का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि नाव में बैठकर सेल्फी लेने का मज़ा ही कुछ और होता है। और क्योंकि आजकल के ज़माने में बाइक पे बैठते, लेकिन नाव में बैठने का अनुभव बहुत ही अलग होता है। तो ये इसी प्रकार मेरे मौसी मामा के लड़के और कुछ मामा के गाँव के व्यक्ति भी बैठे हुए और नर्मदा तट में नाव का आनंद ले रहे हैं, और हम अभी कोटेश्वर जा रहे हैं। इसे देखने पर आपको ऐसी अनुभूति होगी जैसे कि आप उज्जैन के किसी तीर्थ स्थल या नदी किनारे को देख रहे हो। तो दोस्तों, फाइनली हम नर्मदा तट और आस्था के केंद्र कोटेश्वर स्थल पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे पहुंचकर हमको काफ़ी अच्छा लगा और शांति की अनुभूति हो रही है, और हमारे भी लोग को आगे भी देखते रहे, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो चलिए, आप कोटेश्वर के दर्शन करते हैं। भक्तों की भीड़ को देखकर ऐसा नज़ारा लगता है जैसे कि कुंभ का मेला हो, क्योंकि हर कोई भक्त नर्मदा नदी तट पर इस उम्मीद के साथ खड़ा है कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर नर्मदा नदी की पवित्र धारा में अपनी पूर्ण आस्था के साथ भगवान शिव का नाम लेके नर्मदा नदी में स्नान जरूर करें। दोस्तों, काफ़ी अच्छा लगता है इस जगह पर। दोस्तों, अगर आप भी आना चाहते इस पर्यटन स्थल पर और बोट नाव का आनंद लेना चाहते तो ज़रूर आना एक बार, काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस रूट पे आना चाहते हैं तो आप बड़वानी से कुक्सी और कुक्सी से निसरपुर होते हुए भी आ सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी लंबा रूट पड़ जाएगा। इसलिए अगर आप शॉर्टकट रूट से आना चाहते हैं तो आप बड़वानी से जांगरवा गाँव और जांगरवा से फिर नाव बैठ के डायरेक्ट आ सकते हैं, तो काफ़ी आपका रास्ता शॉर्टकट पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से रूट से आना चाहते हो। दोस्तों, ये बहुत प्राचीन मंदिर है। भोले जी जल्दी प्रसन्न होते, इसलिए सब अपनी अपनी मन्नतें भोले जी से मांग रहे हैं। कोई मांगे सोना चांदी, कोई मांगे लाजवंती, भोले मेरे जीवन में मचाए बहुत तांडव, मैं तो मांगू सिर्फ तुझसे शांति। और अब चलते हैं दूसरे नज़ारे की ओर। तो यहाँ पे काफ़ी प्राचीन स्टाइल की गणपति जी की मूर्ति है, और इसके जस्ट साइड में यहाँ पर महिला और महिला पंडितों के द्वारा कुछ यज्ञ अनुष्ठान किए जा रहे हैं और दीप जलाए जा रहे हैं, ताकि भोले जी को प्रसन्न किया जाए और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो सके। और देखिए, बड़े तो बड़े ही सही, लेकिन बच्चे भी काफ़ी भक्ति में लीन है, जैसे कि ये बच्चे को ही देख लो। जय श्री महाकाल। तो भक्तगण प्रसादी के लिए लाइन में लगे हुए, तो हम और हमारे दोस्त भी अब प्रसादी ले लेते हैं। जय श्री महाकाल बाबा। मैं एक दाना भी नहीं प्रसादी दूंगा, जा सामने है, लगाए जा, ले प्रसादी। भगवान ने हाथ दिए पैर दिए, जा चल के जा, तू भी ले प्रसादी। दर्शन के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि आगे छोटी छोटी दुकानों का मेला लगा हुआ है। काफ़ी बढ़िया पर्यटन स्थल है दोस्तों। यहाँ पर भिन्न भिन्न रुद्राक्ष और मोतियों की मालाएं हैं, जो कि भगवान से रिलेटेड है। साथ ही भगवान से संबंधित कड़े और अंगूठियाँ भी यहाँ पर मिलती है।
कम देख हाँ मत देखी रो अच्छा। महादेव जी का प्रिय वाद्य यंत्र डमरू डमक डमक डमक। तो हर कोई कुछ ना कुछ खरीद रहा तो सोच रहे हम भी कुछ ले लें। यहाँ पर हमारे दोस्त बल्लू रुद्राक्ष की माला और अंगूठी ले रहे हैं। भाई एक रुद्राक्ष की माला और अंगूठी मेरे लिए भी ले लेना। और लगता है भाई को अंगूठी फाइनली पसंद आ चुकी है और ये ले रहा है। एक अंगूठी लेने में इतना कंफ्यूजन, लगता है हमारा भाई आज पूरी दुकान खरीद कर ही जाएगा। तो हमारे कोटेश्वर के दर्शन पूर्ण हो चुके हैं दोस्तों, और अब हम नाव में बैठ के वापस अपने गांव जा रहे हैं। और जाते जाते आपसे एक ही बात कहूंगा कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर देना, ताकि नए नए वीडियो की जानकारी और नए नए लोकेशन आपको देखने को मिलते रहे।